कुंदरगी विधानसभा के सपा विधायक हाजी रिजवान ने जिलाधिकारी व एसपी मुरादाबाद से शिकायत कर कुछ लोगों द्वारा कस्टोडियन की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण करने का आरोप लगाते हुए उसे तुरंत रुकवाने की शिकायत की है। जैसे ही जिला प्रशासन को इस बात की सूचना मिली तो प्रशासन ने आनन फानन में हो रहे निर्माण को रुकवा दिया। दरअसल कुंदरगी थाना क्षेत्र के गुल्लहर तिराहे स्थित संपत कुमार के भट्टे के नाम से प्रसिद्ध भूमि लंबे समय से बंजर पड़ी हुई है, जिसमें एक पुराना भट्टा भी लगा हुआ है। रविवार को कुछ लोगों द्वारा भट्टे की भूमि पर निर्माण कार्य किए जाने लगा। जैसे ही इसकी सूचना कुंदरगी विधायक हाजी रिजवान को लगी तो उन्होंने तुरंत ही इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी। प्रशासन को सूचना लगते ही हड़कंप मच गया और आनन फानन में प्रशासन द्वारा कुंदरगी पुलिस को मौके पर भेजकर निर्माण रुकवा दिया गया। कुंदरगी सपा विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान का आरोप है कि यह भूमि लंबे समय से बंजर पड़ी हुई है जो कस्टोडियन की है, जिसे कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता। भूमाफिया लगातार क्षेत्र में सक्रिय हो रहे हैं और वह इस प्रकार के जमीनी देखकर वहां से कब्जा करना चाहते हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाजी रिजवान ने जिला प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भूमाफिया लोग हैं और इनका काम यह है, तमाम ग्राम समाज इन्होंने अपने भट्टों में काट ली, रूपपुर मोहनपुर की जितने चक रोड थे वो सब काट लिए और उसके बाद में दो नंबर हैं यहाँ पर भट्टे पे, 77 नंबर जो PWD भट्टे के नाम से है, आप खतौनी देख सकते हैं, खतौनी में आज तक जो है वो PWD भट्टा, और एक नंबर पड़ता बराबर में 78 का पर लिखा हुआ है जेर इंतजाम कस्टोडियन। दोनों नंबर जो हैं वो अलग हैं, सरकारी नंबर हैं दोनों, वो PWD की है, 4.25 बीघे और 27 बीघे ज़मीन जो है वो जेरे कस्टोडियन है। आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, खतौनी बोल रही है। इन लोगों ने बीच में घोटाले करके एक्स पार्टी करा के वो बीच में जो है खुद ही मुद्दा ही बन गए और खुद ही जो है क्या नाम है मुंजिम बन गए और खुद ही दोनों मुकदमे के दोनों तरफ से वादी भी और प्रतिवादी भी बन के इन्होंने जो है झूठे सच्चे मुकदमे डाल के और यहाँ से संबंधित अधिकारी तहसील के इनको कब्जे में लेकर और उसके बाद जो है इन लोगों ने घोटाला कागज में कराया और अब क्या नाम है ऐसो कुंदरगी को क्या नाम है पूरा भरोसे में लेकर इन्होंने और उसके बाद इन्होंने नाजायज तरीके से दफ्तर के आगे भी बड़ी बड़ी दीवारें कर दी, उसे भी पाटना शुरू कर दिया, वो PWD की ज़मीन है और उसके बाद में जो है वो दूसरी तरफ जो है 78 का वो जेरे कस्टोडियन है, उस पर भी इन्होंने 4 दीवारी बनानी शुरू कर दी। हमने हस्तक्षेप किया, उच्च अधिकारियों को के संज्ञान में इस बात को डाला, क्या नाम है हमारे जिलाधिकारी महोदय ने और कप्तान साहब ने और SDM महोदय ने इसमें क्या नाम है संज्ञान लिया और उसके बाद में उस निर्माण को उन्होंने रुकवाने का काम किया। फिलहाल क्या कार्रवाई की गई है, अभी क्या स्थिति है? नहीं, फिलहाल कार्रवाई की गई है कि जब तक इसके अभिलेख न देख लिए जाएं किस तरह से ज़मीन कहां से आई, कहां से पट्टे पर आई थी, कहां से किसका कब्जा था और उसके बाद में इन लोगों का हस्तक्षेप कहां से आ गया, भूमाफियाओं का, इन्होंने किस तरह से अवैध तरीके से रात में, क्योंकि रात में वही ज़मीनें बनाई जाती हैं जो जिन पर अवैध कब्जा किया जाता है। स्थिति क्या है वहाँ की? नहीं, स्थिति वहाँ की काम रुका या नहीं रुका, काम रुक गया है या नहीं रुका है? नहीं, फिलहाल मुझे पता लगा है, मैं तो वहाँ देखने गया नहीं, फिलहाल उन्होंने बताया कि काम रुक गया है, लेकिन इन्होंने रात को जो है उधर का काम रोक के जो कार्यालय है इसका भट्टे का कार्यालय उसके आगे जिस जगह कार्यालय के गेट पर इन्होंने बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें कर दी हैं, उसमें टीन शेड डालने का इनका प्रोग्राम है। ये चाहते हैं किसी तरह से इसको हम कब्जे में ले लें और इसमें कुछ तहसील के अधिकारी भी हैं, इसमें मिले हुए इनसे मिली भगत और थाना भी इनसे मिला हुआ है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।